तो अभी 4 से 5 दिन में ही लॉन्च किया है आप सबके बीच में। ये तेरे नाम के पागल तो आप सबने बहुत सुना हो, तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की। तो हमने सोचा कि जब पागलों में गिनती हो ही गई है और जब लोग भी पूछने लगे पागल है क्या, पागल है क्या, हाँ भैया अब मैं क्या ही बताऊं, जब पागलों में गिनती हो गई तो सोचा कहीं ऐसा ना सोचे मैं अकेले पागल हूं। तो इसके लिए फिर हमने बताया सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट पहला जो था वो था तेरे नाम के पागल, और जो दूसरा वर्जन आया है वो आया है श्याम नाम के पागल, जो अभी आप सबके बीच में सुनाया। खाटू की गलियों की कुछ बात निराली है, एक मैं ही नहीं पागल दुनिया दीवानी है, दुनिया मतवाली है। बोलिए श्याम प्यारे की। श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, श्याम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है। तुमको पाके इस जीवन की, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चारे ही। क्या बोलोगे? ओ पापा, ओ पापा, ओ पापा, ओ पापा, तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं। तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं। तेरे नाम के पागल है तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं। तुमको पाके इस जीवन की, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई जानगी। तेरे बोलो तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह। कौन कौन पागल है? अरे दिल्ली के पागलों बता तो दो। तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं। तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं। वादा कर ले सांवरा, वादा कर ले सांवरा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा न होगे जुदा, ये वादा सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो। सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, कभी दिल में उसको बिठा कर तो देखो, कभी दिल में उसको बिठा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है ये खाटू वाला,
एक बार खाटू धाम जाकर तो देखो, एक बार खाटू धाम जाकर तो देखो, एक बार खाटू धाम आकर तो देखो, एक बार खाटू धाम आकर तो देखो। एक वो जयकार जो खाटू की गलियों में लगाते हो, हारे के सहारे की शाम प्यारे जय। एक बार फिर से बोल दो बुलंद आवाज में, बोली हारे के सहारे की जय, बोली लखदातार की जय। एक बार आपकी तरफ से, आपकी तरफ से, आपकी तरफ से, कौन कहता है बाबा खाटू में ही रहता है सिर्फ? बाबा को जहां बुलाओगे वो वहीं पे खाटू धाम बना देता है, दिल में रखते हैं प्रेमी। क्या बात है, क्या बात है जियो, क्या बात है। ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या ही बोलूं, जिन भक्तों के माध्यम से मैं खुद बाबा के दर्शन करती हूँ, ऐसे भक्त यहाँ पे रहते हैं। बोलिए भक्तर भगवान की। जब भी दिल्ली में आती हूँ कीर्तन करने, आप सबको प्यारे प्यारे भजन सुनाने, तो सच्चाई है एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रही हूँ। सिर्फ ये आता है कि भाई हाँ दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि दिल्ली में कीर्तन है और मैं भक्तों को भजन सुनाने जा रही हूं, तो जो मुझे महसूस होता है ऐसा लगता है कि मैं भक्तों को नहीं बल्कि यहाँ पे बैठे हुए ऐसा लगता है हर चेहरे में मेरे बाबा श्याम मुझसे मेरे भजनों को सुनने आए हैं। हर चेहरे में एक जगह कीर्तन में मैं, क्योंकि मेरा कार्य प्रभु ने मुझे दिया है आप सब तक भजन पहुंचाना, आप सब तक भाव पहुंचाना, आप सबको बाबा से जोड़ना, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये कार्य दिया। एक बड़े भाई थे, मुझे नाम भी उनका भी याद नहीं, बहुत समय की पहले की बात हो गई है, तो मुझसे बोले दीदी आप पीठ करके बाबा को तरफ मत रहो। उनका कहना सही था, हमें हमारे भगवान की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये बहुत बड़ी विडंबना, मैं करूं क्या, क्योंकि बाबा ने मुझे ये ऐसा कार्य सौंपा है, ये कार्य दिया है जगह जगह पहुंचाने की एक जो ड्यूटी सौंपी है। मैंने कहा भैया आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे पीठ नहीं करनी चाहिए दरबार की तरफ, लेकिन ये भी सत्य है कि मैं मेरे बाबा के दर्शन तब भी कर रही हूँ। वो पूछने लगे वो कैसे, मैंने कहा यहाँ पे जो हजारों हजार भक्त बैठे हैं, उन भक्तों की जितनी बार आंखें खुलती हैं और जितनी बार आंखें खुलते ही बाबा के दर्शन करते हैं, उन हजारों हजार की नजरों में मुझे मेरे बाबा के दर्शन होते हैं। मैं कैसे कहती हूँ मुझे मेरे बाबा के दर्शन नहीं हो रहे, अरे हो मेरे सांवरे को बंगलो काटू में, 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 मेरे सांवरे की कोठी काटू में, मेरे सांवरे की कोठी काटू में, मेरे श्याम जी को, मेरे श्याम जी को, मेरे खाता चाले काटू से, मेरे नाम लिखो मोटा खाता चाले काटू से। आओ जरा जिसका जिसका मन करे
बिहार एक बिहारी सबसे भारी क्या बात। ये बिहार से ही निकली है कहावत है ना। अरे सुनो मारी बात को, हटो छट्टो जी हटो। लेकिन इसके लिए अगर बात कही जाए तो सबसे बड़ी बात ये है, हम तो भारत वाले हैं। इसीलिए आपको बात पे आया, लेकिन बात यूपी की नहीं ना बिहार की। देखो अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आपकी वाली बात आ गई है, अब आ गई है बात। अच्छा देखो आपके घर में, आप यही रहते होंगे दिल्ली में, आप अपने घर की जिम्मेदारी लेते हैं पड़ोसी की बात में, बात मानेंगे? आप अपने घर की जिम्मेदारी पहले लेते हैं पड़ोसी घर की बाद में? हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां की जिम्मेदारी लेते हैं पड़ोसी प्रदेश की? हम जिस देश में रहते हैं हम वहां की जिम्मेदारी लेते हैं पड़ोसी देश की? तो ये बात वो है, बात कोई और नहीं है। क्या ये बात कब आई थी आपके मन में? जो बात आई बहुत अच्छी बात आई, कुछ लोगों के मन में और भी ये बात आई। अंजलि द्विवेदी यूपी की बात करती है, लेकिन मानसिकता अपनी अपनी है। मैं यूपी की बात नहीं, मैं मेरे पूरे देश की बात करती हूँ। लेकिन हाँ, बात जो भी होती है अपने घर से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत अपने घर से होती है। कुछ लोग हैं जो विदेश में जाके अपने देश की बुराइयां करते हैं, ये उनकी बात आती है। लेकिन भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, अब सारी बातों का निचोड़ पता क्या आया? हम जब अपने घर की देखरेख पूरी रखेंगे पूरी, तो हमारा पूरा देश एकदम बढ़िया होगा। बात सही है। हमारे लिए ना हरियाणा के आदमी आते बेवकूफ होते हैं, पता है क्या है जी? वो देश को भी पता है क्या बोलते हैं, देशम देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का काड़ा, भारत माता की जय। लेकिन हमारा देश तो हमारे पूरे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूरा देश। भारत क्या है? भारत में रहने वाले जो इतने धार्मिकता वाले हैं, उन्हीं लोगों से ही तो भारत बना है। उन लोगों की धार्मिकता से ही आज हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे। भैया माइक में क्या कर दिया, सारे ताली कीर्तन करूं? सारे डाउन हो गए। कोई बात नहीं, कोई पुलिस नहीं आ रही है, खोल दो, थोड़ी देर की बात हो रहा है। अरे सबसे बड़ी सरकार वो बैठा है। हाँ, कोई बात नहीं, अरे ताली तो बजाओ। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो मैं उस समय कहने को थी, लेकिन बात दूसरी शुरू हो गई। लाइव चल रहा है अंजलि द्विवेदी यूट्यूब चैनल पे भी, पेज पे भी। अभी जितने भी लोग मोबाइल लिए सब आनंद लो, सिर्फ आनंद। दो मिनट के लिए और आप सबके बीच में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
बोलिए बाके बिहारी लाल की हो, बरसाने वारी की हो, श्री वृंदावन धाम की हो, खाटू नरेश की हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठा विश्व विख्यात श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, जिसके की आयोजक मैं बार बार बोलना चाहूंगी, जिन्होंने वाकई ये एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 7 दिन से चला आ रहा है ये धार्मिक आयोजन, समृद्ध समाज फाउंडेशन जो हर कार्य को करने के लिए समृद्ध है। मैं बाबा श्याम से यही प्रार्थना करूंगी, ऐसे भक्तों की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते जाए। मैं पूरे मंडल को बुलाना चाहूंगी, पूरे मंडल को, श्री खाटू श्याम सेवा समिति रोहिणी, क्या बात है। मैं सभी मंडल के सदस्यों को बुलाना चाहूंगी, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, अगर थोड़ा स्टेज से पीछे हो, थोड़ा सा, थोड़ा 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 माइक की वॉल्यूम बढ़ाओ इसका, भैया कोर्डलेस का। हेलो ब्रजेश, ऐसे भक्तों को मैं बार बार ऐसे भक्तों को प्रणाम करती हूँ जो पिछले 7 दिन से कीर्तन कर रहे हैं। क्या बात है, आपकी हिम्मत को मेरा सैल्यूट है। वाकई एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपने कोरस को माइक लीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत। आज का लाइव अंजलि द्विवेदी यूट्यूब चैनल पे चला है, आप सभी कितना आपने आनंद लिया ये